अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स इरेशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और DIFF लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, या तो डिफरेंस यानी कि डिफरेंशिएट होगा, या डेरिवेटिव लिखा हुआ आता है, या डी डिवाइड बाय डीवाई ओवर डीएक्स होता है, या डी ओवर डीएक्स लिखा आता है। तो ये सारी चीजें डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो हमने इसका जो है डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब सिंपल डेरिवेटिव है, नॉट एन अ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर हमने जो डेरिवेटिव इसका लेना है वो इस तरह से होगा कि पहले आप इसको लेट कर लें एक इंडिपेंडेबल वेरिएबल से, वो हमने वाई लेट कर लिया। सो एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और ये हमारे पास एक फ्रैक्शनली फॉर्म में आ रही है, यानी डिवीजन की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे। पहले मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूँ। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, हमारा जो वेरिएबल है वो एक्स है ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पर आपने डेरिवेटिव लगाना है। सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू, लेफ्ट पे वाई हो गया, और राइट साइड पर डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू, ये आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा जो है लेफ्ट साइड पर तो हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और राइट साइड पर जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो हमने क्वेश्चन रूल लगाना है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज, और डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लेना है न्यूमिनेटर एक्स का, फिर माइनस का साइन लगा के न्यूमिनेटर की वैल्यू एज इट इज, और यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और होल डिवाइड बाई इसके नीचे जो है ये हमारे इसी डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब ऊपर आप देखेंगे तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और इधर आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और आपको पता है कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 1 होता है, तो माइनस एक्स आ गया। और यहाँ पर आपने डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा पावर, शुरू में पावर में से एक कम करके लिख लें, और बेस का डेरिवेटिव जो है एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होना है, और प्लस कॉन्स्टेंट का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, और होल डिवाइड बाई नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म बन रही है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें एज इट इज है, सो माइनस में ये आ जाएगा 2, और इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि अभी एक स्टेप और देख लें कि 2 आ गया, x की पावर एक कम हो गई, 2 माइनस 1 तो 1, सिंपल x, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, और होल डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टेप भी आप यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं और मजीद भी बढ़ा सकते हैं। तो डिवाइड डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1 है, और माइनस में 2 टू द 4 और x आ जाएगा, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आई थिंक इसको अरेंज भी करके लिखा जा सकता है, तो बुक में देख लेते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर हम 11 कर रहे थे। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पर बाहर मैंने लिखा क्या हुआ है, 2, इट्स नॉट एन अ 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 नहीं था, ये था हमारा x। तो ये दोबारा देखिएगा, यहाँ पर है x, ये से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो पहले प्लस 1 आ गया ना, माइनस में ये 2x स्क्वायर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू, ये 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। और अगर हम इसको नीचे वाली वैल्यू को भी चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बुक में वैसे मैं देख लेता हूँ किया हुआ है या इस तरह से लिखा हुआ है, 1 प्लस x स्क्वायर बना दिया हुआ है, यानी 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर करके लिख दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो चुका है। हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे चैप्टर 2 का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियो आसानी मिलती रहे। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने क्लासमेट फ्रेंड्स तक, और अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, किसी किस्म के भी इशूज़ है तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।